अब से एक सलाह लेना चाहती हूँ आप दोनों से कि देखो आप दोनों का भी शादी हो गया और शादी होने के बाद आप दोनों को भी हस्बैंड ने धोखा दे दिया, ठीक है, तो आप दोनों की कहानी सेम है, कुछ फर्क नहीं है। हाँ तो मतलब यही मैं सोच रही हूँ कि मैं भी शादी करूँ कि नहीं करूँ। कोई फायदा मत नहीं है, कर, जिंदगी भर एक ही तू उंगली बहुत हाथ खुश से रहेगी, सच्ची बोल रही चलेगी। हूँ, बहुत खुश रहेगी, मत कर। मेरी नहीं कर रही थी, मेरी कैसे नहीं, हो गई क्योंकि तू? ना सोनिया पर आपके हस्बैंड अभी फिर चंडीगढ़ में ही है कि चंडीगढ़ के बाहर नहीं नहीं है? नहीं नहीं वो चंडीगढ़ से ना, वो कोई सोशल मीडिया से नहीं था, वो दिल्ली से था, लेकिन वो मुरादाबाद रहता था। मुरादाबाद का सुना होगा ओके, तूने ना मानसा? हाँ, सुना है, मुरादाबाद यूपी में में ही है जाती हूँ। मैं। हाँ तो वहीं का था, बट हमारा अच्छे से सेपरेट हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा एक और बात मैं साक्षी। पूछूंगी सोनिया जी आपसे, कि जैसे कि आप वीडियोस एंड सब अपने जो ये मैंने वीडियोस उसके कर रहे बाद हो तो स्टार्ट फैमिली की थी। पिक ओके, तो कैसे देख दे रही आप शादी होने के बाद आप सोनिया फिर चंडीगढ़ में मैंने शिफ्ट हुई थी मुरादाबाद मैंने में? फिर जो अपनी जिंदगी थी ना, मैंने कुर्बान इसलिए किया आयशा, क्योंकि मुझे पता था क्योंकि ना कोई मुझसे शादी करेगा, जो मेरी बेटी मेरे पेट में थी। फिर मैं किसकी मतलब कब तक मैं एक शरीफे का नकाब बन के दुनिया के लिए जीती जिसने मुझे फूटी बॉडी भी नहीं देनी, सही बात। दुनिया की रसूल मानती जिसने मेरे को अपनाया भी नहीं था। मैं वो दिन भी नहीं भूलती कि साक्षी जब मेरी बेटी मेरी बुक में थी, मैं बहुत रोती थी लोगों के लिए हेल्प, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने उसको पालने के लिए बर्तन तक भी मैंने लोगों के घर में धोए हैं। आशा माय जी मैं गॉड, रियलिटी बताती हूँ माय गॉड, क्या हो गया था, कैसे नाउ। करा दिया था? एक मिनट काजल, जरा यहाँ पे थोड़ी सीरियस बातें चल रही थी। साक्षी अब मैं इतनी खुश हूँ, मैंने जिंदगी में जो भी किया मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आयशा देख जिंदगी में कोई काम छोटा बड़ा नहीं तो होता। आपकी बच्चे भी स्कूल में जा रही है नहीं अभी वो बहुत छोटी है, लॉकडाउन जब से लगा भी से वो कहीं नहीं जा रही, वो भी प्ले स्कूल में और जाना आयशा आपका चाहती क्या हुआ था? है। मेरा तो यही हुआ था कि वो दिल्ली में उसका अफेयर चल रहा था एक औरत के साथ में, वो लेडी बच्चे थे उसके पास, वो मुझे सुखी नहीं रखता था, मतलब गलत काम में पड़ गया था, चोरियां करना, जुआ खेलना, मतलब दारू तुम पीना, दोनों के आदमी भी तुम्हारे साथ मतलब तुमको खुश नहीं रखते थे वो, तुम वही तो दोनों को बोल रही खुश? हूँ। मेरे नहीं मेरे वैसे तो साथ खुश वाला रखता था, आयशा, उस मेरे चीज साथ में वाला नहीं है अच्छा कोई था भी, बहन, सिख बस वो फैमिली से पैसे था, से बट नहीं मतलब सेटिस्फाइड तो करता था ना वो? वो नहीं तो फिर सेटिस्फाइड, करता था, ऐसे उसने थोड़ा कोई बच्चा टेंशन पैदा नहीं, कर उसका दिया कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसे। सीरियसनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड मुझे भी लीड नहीं था उस टाइम पे, मैं जानती भी नहीं थी कि सेक्स वेक्स के बारे में, तुझे पता नहीं था सेक्स मतलब क्या होता है? नहीं। मेरी बहुत कम उम्र में शादी हुई थी, 14 या 15 की उम्र थी मेरी, तो थैंक यू वो यार राहुल दिल्ली जी, दिल्ली आया करता था, रहा करता था, उसके पास राहुल 2 4 दिन रुकता था, पर बोलता था मैं जॉब करने जा रहा हूँ। सिर्फ सोनिया को ही प्यार करता है, राहुल हम लोग को नहीं प्यार करता, सोनिया को आई लव यू राहुल जी बहुत बोलता। अच्छे इंसान ये तो बात सही बात है। अरे ए बहन के लौड़े क्या नाम है तेरा, रिकवर बहन के लौड़े, तेरी माँ की चूत क्या नाम है, भोसड़ी के नाम तो सही से रख ले बहादुर चूत। एक चुप हो जा यार, काजल, तू यहाँ चुप पे बातें कुछ यहाँ पे बातें कुछ हमारी अलग हो रही है, यार, वो तो बहन का तू लड़का कमेंट कर रहा बता है उल्टा सीधा, सोनिया कह सोनिया रहा क्या है हुआ कि वो चल था, रहा है मैं सत्संग। प्रेग्नेंट हुई थी, 3 महीने मेरी बेटी मेरे पेट में थी, मेरे को छोड़ के भागे दिल्ली में, पता है मेरी बेटी पैदा हो गई, कोसड़ी का जब आ रहा फुआ रहा मिठाई का डब्बा लेके, मैंने मुंह फोड़ लिया, मैं चल दफा तो हो। आप दोनों भी एक इंस्पिरेशन हो अबे सुन कि तो ले पहले पूरी बात, फिर मेरे माँ बाप ने अगर कहा कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है वैसा होता है, चलो भाई रख लिया। 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में फिर प्रेग्नेंट कर गया भोसड़ी का, फिर मैंने डिवोर्स ही ले लिया, मैं चल माँ छूटा अब उसी के पार रहे। उसके बाद में ये हमारे नन्ना पैदा हुए है लड़का है क्या ना, वो? हाँ ये लड़का है, फिर आया ओके, मैंने कि अब तू दफा हो जा, डिवोर्स चाहिए मुझे तुझसे, तू मेरे साथ नहीं रहेगा। फिर मैंने उसको ठुकराया, मैंने कहा तू निकल। अब वो जिस ऑब्वियसली यार लड़की से हमें बहुत प्यार करता था ना, अच्छे अच्छे सुनो लड़के सोनिया जी, जिस लड़की से प्यार करता था ना, सोनिया। आज सोनिया ठुकरा प्लीज है, टेंशन मत लो, उससे आपकी तो वो फेस्टाइम से बढ़िया अगर थी। टेंशन में गए आप नहीं टेंशन टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता एक ना, जस्ट मेरी नेचुरली कहानी बात कर रहे थे हम लोग। आज वो बोलता है तुझसे तो वो बढ़िया थी आयशा, उसको बोलता है मेरे बारे में। आयशा जी जो वक्त होते हैं ना, इसकी मार ना धीरे लगती है लेकिन बहुत बुरी लगती है, पता है तुमको? वक्त बहुत की बुरी मार लगती बहुत है बुरी होती है, बक... जो ऊपर वाला बैठा है ना तो वो बिल्कुल देता है। वो कहते तो हैं ना आपने औरत कभी जब दोनों ने गलत करती सोचा है ना नहीं, तो उसके आप आगे दोनों ने बहुत कभी बीवी सी सोचा होती नहीं है। कि अभी मेरे को छोटा बेबी है,
तो उसका मतलब नाम उसको भी कोई पापा बोले, मतलब पापा बोले वाला कोई हो, तो मतलब किस पे तुम्हारा दिल नहीं विश्वास करते शा... रखोगे साक्षी, किस पे अरे ये विश्वास? चीज तुम कह रही हो, मेरा एक दिन तो ऐसा था कि मेरे पैरों से जमीन निकल गई थी। मेरी बेटी को तो ड्राइंग का बहुत मतलब शौक अभी है, हमको भी लगता है ना कि कोई तो पापा बोलने वाला चाहिए, तो सबका सोनिया होता ऐसा है साक्षी। ऐसा किसका मन नहीं करता कि उसके उसका खुद का हस्बैंड हो, उसके खुद के होम हो, उसके के बस ठीक है यार। प्लीज रात में सोए हमारे साथ भी, मेरा भी मन सोनिया करता मैं भी शौक करूं टेंशन ऐसी मत बातों में। ले। और मेरी बेटी ने ड्राइंग बनाई, बोल अरे रही थी सोनिया, मम्मा, आयशा सोनिया रोने लग गए थे सच्ची अरे मैं भी में, रोऊंगा मतलब फिर। मत सोनिया हम किसी दोनों के जगह लिए, हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। सोनिया किसी के लिए रो के फायदा नहीं है ए सोनिया बाबू, पागल हो गई क्या लड़की? ए पागल ही बोलता है। सोनिया मैं भी लड़की पागल रोने है लगूं क्या? सच में, मत रोइए। काजल बोल सोनिया ऐसा को, नहीं होता, कहते नहीं है। मैं सोनिया एक बात बताऊं, लगा फिल्टर दिया में दाग जैसे तो उसको दाग को धोना कैसा, लगा दिया दाग तो दाग को धोना कैसा, जो अपना था ही नहीं उसके लिए रोना कैसा बताओ, जो अपना रोके था ही नहीं उसके लिए रोना कैसा? फायदा नहीं सोनिया अभी किसी किसी ने के के लिए, मत अरे ऐसे रो बहन के लौड़ों के लिए जाने दो, दल्लों को कहते नहीं यार है, जो सोनिया अपना की था ही बात नहीं उसके लिए रोआ बिल्कुल मत तुम्हारा तो नहीं रो। लगा रोती भी। आयशा भी अरे है, यार याद आ आयशा जाती है, याद, हाँ काजल मतलब याद ऐसा आती है कभी, याद आ काजल जाती है, याद हाँ आती है। याद आ जाती है ना, कोई बात चले और किसी की याद आ जाए कि बोलो लड़का ऐसा था, मैंने उसको इतना प्यार दिया फिर भी मेरा नहीं हुआ, ऐसा वैसा, तो याद आती है, तो कहना पड़ता है, मतलब अपने आप ही आंखों से आंसू निकल आते हैं कोई भी सही बात है, बात हो। काजल सही बोल रही है। साक्षी मेरी कल अभी मैं शादी की औरत की सालगिरह आज थी, ना मेरी सोनिया, शादी कर दो। सोनिया का मतलब सोनिया को इस सवाल किसने पूछा नहीं था ना आयशा को, बट आज 1,500 लोग देख रहे यहाँ पे, बट यहाँ पे भी क्या साक्षी, जब इंसान दुनिया से लड़ सकते, लेकिन जब वो अपने आप से खुद कभी नहीं लड़ सकता, पता है तुमको? वो अपने आप से खुद कभी नहीं लड़ सकता। मैं अपने आप से लड़ती हूँ, और इंसान दो चीजों से, किसी भी पता है किसी भी साक्षी, इंसान दो चीजों से हार जाता है, एक कौन अपने प्यार से? से, एक अपने परिवार से, एक अपने सही प्यार बात, से, एक अपने परिवार से इंसान हार जाता है, कभी भी वो नहीं कर सकता। एक परिवार के चक्कर में तो हम दुनिया भी को छोड़ परिवार सकता है, से और एक हारी प्यार के चक्कर मैं। में कुछ भी होता है, वही तो कह रहे हार जाता है नहीं यार, इंसान, परिवार से या सोनिया प्यार जी से। और तो मेरी परिवार कहानी से एकदम हारे सेम टी हुए हुआ है, और फर्क इतना उन पे, एक बेबी से मेरे पास दो बेबी हैं। पर मैं मैं तो ऐसा पांच साल सोचती हूँ से कि पांच लोग, साल मैं तो ऐसे घर में सोचती रही। हूँ जिंदगी बहुत बड़ी है, मुझे ऐसे लगता है कि जिंदगी में वापस सेटल होना चाहिए, सेटल होने का और किसी को चांस मिलना चाहिए। अबे एक कर लो, दो कर लो, फिर भी कर लो, ऐसे रहते हैं लोग, ये नहीं बदल लड़के लोग ऐसे सकते। होते हैं ना, लड़के लोग नहीं ऑलमोस्ट रहते ऑलमोस्ट आज के वक्त में जिसके सच्ची पास पैसा है ना, लोग पूछते हैं कैसा है। चाहे कोई भी सही हो, अपने बात घर वाले फैमिली वाले क्यों ना हो, सबको पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सही सबको बात है। तो पैसा मतलब चाहिए। आपका आपका हस्बैंड आपको कमा के नहीं देता था, पैसे से नहीं देता था वो? मेरे को पैसे नहीं था, वो गांडू चोरी करने लगा, दारू पीने लगाता था, तो बहनचोद वो मुझे क्या देगा पुत्र फिर? की, तो बच्चों आपका खाने हस्बैंड क्या था, पड़ते थे। सोनिया बिजनेसमैन था कि वो भी चोर डाकू था? नहीं मेरा हस्बैंड क्या बोलते नहीं, हैं, वो मेरा वैसे हस्बैंड बहुत बिजनेसमैन अच्छा था मेरा था हस्बैंड। नो डाउट, लेकिन बहुत अच्छा भी बंदा था, क्योंकि मेरी फैमिली ने अच्छा ही देख के शादी की थी उसके साथ। बहुत तेज था वो, बट वो उसकी हरकतें वो ही निकली, वो पहले से शादीशुदा था, मुझे मालूम है सब कुछ पता है, लेकिन वो तो उसके हरकतें मेरी फैमिली ने वजह से तुझे आई बताया थी। नहीं था ये बात? नहीं मेरे से धोखा हुआ था कि अरे वो जाता मुझे बहुत बड़े बड़े वैसे धोखे पड़ते। सोनिया तू चाहती तो उसकी गांड भी मार सकती थी, अगर उसने तेरे साथ इतना बड़ी कुछ किया लड़ी थी चाहती थी, मैं क्योंकि औरत में भी, नारी में एक, हाँ वही तो, तेरे बहुत मतलब तूने बहुत कुछ किया है, मतलब कि नारी चाहे, कहते हैं नार करे सो कर छोड़े, अगर नारी चाहे तो घर को आबाद बना दे, महल बना दे, अगर नारी अपनी सी पे आया तो घर को भी मिट्टी बना दे, मिट्टी बिल्कुल। आयशा तो ये मैंने ना होता है, पता है, मतलब वही है तुमने, मैंने उसको इसलिए ओह कोई कोर्ट कचहरी इसलिए नहीं घसीटा, क्योंकि उसके भी बेटे बच्चे थे दो छोटे से, उसकी 3 साल की गुड़िया थी, 5 साल का बेटा था, कि मैं उसको ये करके मैं खुश रहती जिंदगी में मैं नहीं यार रहती। बुढ़ा था क्या? नहीं बुढ़ा नहीं था वो, इतने सारे बच्चे? नहीं उसके दो थे, मेरे तो बहुत जल्दी हो गई थी गुड़िया, उसके दो थे ऑलरेडी, मतलब वो था 35+ था, लेकिन 40 से नीचे का, 39 का था। जी आप कुछ भी बाप रे, करो, मतलब एजे, अपनी तो बेटी को ना एजेड ही हो गया था ऐसा वो। इंसान बनाना कि दुनिया याद करे, इतनी बात कहूंगी अरे बस।
या जब प्यार हो जाता है ना किसी से, हाँ, ये बहुत कुत्ती चीज है प्यार, वो किसी से भी हो सकता है आपको। मैं क्या ये तो है, ये तो है। मैं तो सोच रही हूँ जिंदगी में मैं भी कभी शादी नहीं करूंगी बाबा। साक्षी मैम एक मिनट रुको, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ सोनिया दी, आप कुछ भी करो एक्स वाई जेड, अपनी बेटी को एक ऐसा इंसान बनाना कि पूरी दुनिया याद करे कि हाँ सोनिया ने अपनी बेटी को बनाया ऐसा। सोनिया तेरी बेटी को ना पायलट बना, पायलट पायलट बना उसको, रो मत अभी तू, काजल देख रो रही है वो। ए सोनिया पागल हो गई लड़की, ऐसे नहीं बोलते। सुन सोनिया माइंड पे मत ले, जब चला गया उसको जाने दे, तू अपनी लाइफ में एंजॉय कर दे, तेरी एक बच्ची है उसके सारे मतलब सारी खुशियां दे, खुद खुश रहे, किसी के बारे में मत सोच, तू भी अच्छी जिंदगी जी रही है, दुनिया तुझे जानती है पहचानती है, कैसे भी जाने बहुत है। नहीं सोनिया बाबू तुम्हें मेरी कसम है, सोनिया थोड़ी इमोशनल हो गई क्योंकि ये बात हम लोगों ने कभी पूछा नहीं था, बट आज थोड़ा इमोशनल टॉपिक पे बात करें हम लोग सोचे, क्योंकि आज इंस्पिरेशन मुझे तो पता भी नहीं था। आज ऐसी इंस्टाग्राम पे लड़की है जो यू नो एक इंस्पिरेशन से जो एक आने वाले लोगों के लिए, बेचारी लड़कियां साक्षी, बेचारी लड़कियां कुछ नहीं कर पाते अपने घर बार परिवार को छोड़कर, ऐसा है बेचारी। तो फिर बेचारी आयस आयसा भी, ये बताओ आयसा ने कितने दुख जी रहे तब भी अपनी जिंदगी जी रही है, ये सोनिया ये भी अपनी जिंदगी, नेकलेस कान का ये चूड़ी बीड़ी बेच के कितना पेट का ये कर रही है वो। अरे मैं आयशा की एक ही बात कहेंगे, मतलब कि आयशा मतलब बेशक अभी खुश दिख रही है, जब भी इसको अकेले में याद आती होगी उस बात को, पल को सोच के कितना रोती होगी, अपने आप आंसू आ जाते हो, क्योंकि मुझे पता है फीलिंग से कैसी चीज होती है, अपने आप याद सोच सोच के मैंने उस बंदे के लिए, और पता नहीं कितनी होगी दुनिया में ऐसी लड़कियां ऐसी लेडीज, क्या बताओ। इसीलिए सोनिया और आयशा तुम दोनों से एक ही वो है, आप खुश रहो। सोनिया अगर आपकी बच्ची आगे जाके बड़ी हो जाएगी तो आप उससे क्या बोलेगी, मतलब ये बताएंगे सब बातें कि आपका पापा का ऑलरेडी शादी है, मेरी बेटी मुझसे सब अभी से पूछती है, बोलती है पापा कहाँ है। नहीं तो मुझे, हाँ तो मैं यही पूछ रही हूँ कि अगर आपकी बेटी ने अगर ये पूछा मम्मी पापा कहाँ पे, तो आप क्या जवाब देगी, देती हो, दोगी क्या? ऐसा बाबू तुम भी सैड मत हो बाबू, वैसे ये बताओ तुम क्या बोल देती हो अगर वो लड़की पापा के बारे में पूछे तो? अभी तो अभी तुम फिलहाल एक मिनट आवाज नहीं आ रही सोनिया, बोलती हूँ उसके पापा बाहर रहते हैं, छोटी है तो मैं उसका दिमाग पर कभी ना कभी तो बोलेगी ना, कभी ना कभी तो बोलेगी ना कि मम्मी पापा इतना टाइम तक बाहर थे। मैं नहीं बोलती है, मैं बोलती हूँ अल्लाह पास करे, मर गए बोलती है। मैं तो सोनिया तू भी मर गए करके बोला कर, तू भी झूठा दिलासा नहीं दे रहा ना मैं अपने बच्चों को, अच्छा दिलासा नहीं देना। ऐसा बिल्कुल सही कह, अगर बाई चांस बड़ी होती है लड़की अभी आउट ऑफ कंट्री बाहर तो है, बड़ी होती काजल क्या बड़ी होके जरूर पूछती, क्योंकि अभी बड़ा होके उन लोगों के पास दिमाग आता है कितना साल तक बाहर रहेंगे पापा, कभी ना कभी तो आएंगे। सोनिया माशाल्लाह सुनती है, मेरी बच्ची सुनती भी नहीं है, ड्रॉइंग बना के पूछती है मम्मा जुब्बू पापा नहीं पापा कहाँ है, वो बोल नहीं सकती, ड्राइंग बना के पूछ रही थी पापा कहाँ है, लड़की पापा यार कैसे कैसे बच्चे बेचारे ना काजल, मुझे बच्चों की सोच के यार मैं तो मुझे तो रोना आता है सुन सुन के, बेचारी क्या सोचती होगी बेचारी, सही में मुझे तो बड़ा वो आता बेचारी बच्ची, छोटी छोटी बच्चों को कैसे कर देते हैं ऐसे, इस मर्द जात भी इतनी वो होती है क्या बताओ, नफरत हो जाती है मुझे ऐसे सोच सोच के। सोनिया बहन ये दुनिया ही होती है, ये दुनिया ही सिखाती है, ये दुनिया ही बताती है कि कहते नहीं आजकल कहते हैं कि लड़कियां पैसों पे मरती हैं, अरे कोई तो कोई बात नहीं, एक बार सुन राहुल काजल एक मिनट, तो दो दो बच्चे ना पालती लड़कियां पैदा करती, ठीक है, और जो लड़कियां पैदा होती है कि यार राजाओं के घर में होती है, हमेशा खुदा से यही रहेगी कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो शुरू से आज तक तकलीफ नहीं। राहुल यहाँ पे ना इमोशनल टॉपिक हो रहा है, हम लोग इमोशनल टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और सुन रहा हूँ मैं टॉपिक सुन रहा हूँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है, खुश रहा करो, कोई जरूरत नहीं है, जो इंसान जिंदगी में नहीं है उसके लिए क्या सोचना,
और सोनिया तो अभी छोटा दिला सा कहते देखे गर्मी फायदा नहीं सर्दी, सोनिया, कहते झोंका गर्मी दिला सा मत सर्दी दे ये सब, सोनिया। गर्मी सर्दी ये सब कुदरत के नजारे है, प्यास होने भी लगती है नदी के किनारे, बट ये समझ दोनों में भी नहीं बात। जवान है राहुल, इन दोनों को मौका है, ये दोनों दूसरी शादी भी कर सकते, बुढ़ी तुम तो नहीं दोनों हुई मेरे से है। शादी कर लो, दोनों को मौका है, दोनों पे चौके छक्के उड़ा दूंगा मैं। आशा करो यार, परेशान नहीं रहने का। ये दोनों जो सैड हो गए जी देखो जी जी लगी, देख आयशा मैं नहीं मत रो परेशान नहीं अभी, होने, रोने चल रो मत वाले आयशा, का नहीं यार, हंसी मजाक करो यार, मैं जब भी तो चुप। हंसाने आया हूँ तुम्हारे को, रोते क्यों? वो मालिक अल्लाह बैठा है ना तुम्हारे लिए, वो भोला बैठा है ना, वो सब अच्छा करेगा, रोना नहीं चाहिए, परेशान सोनिया अभी तू भी शांत रह, मत चल हो। चल हाँ मत कोई रो, बात नहीं, सब मालिक करेगा ना, ऊपर राहुल वाला है तुम दोनों के लिए, जो, राहुल है। चल हाँ मैं हूं ना तुम दोनों के लिए, तुम मुझसे प्यार कर, दोनों टैटू बनवाओ मेरे नाम का, डंका बनवाना। और जो बेटियां होती है ना वो अरे नहीं, राजाओं के घर में ही पैदा होती हैं, और रानियों के घर में होती हैं जो वो बेटियां कहते होती हैं लड़कियां होती नहीं पराई, जब खुदा ने मेरे घर में रहमत बरसाई, जब मेरे घर में लड़की आई, हैं। एग्जैक्टली समझे? माशाल्लाह। और मालूम तो आयशा आगे ऊपर को वाला और मालिक सोनिया को देता है। दोनों फर्स्ट गर्ल है, दोनों भी गर्ल है नहीं, फर्स्ट। आयशा परेशान नहीं होना चाहिए। आप आयशा देखो मत इतनी मेरी परेशान हो बात बाबू, सुनो, ऊपर वाले ने मालिक ने अगर बच्चे दिए ना, तो उनको पालने के लिए भी आप लोगों को इतना स्ट्रोंग बनाया, वो ही कोई रिश्ता बात नहीं, देगा। वही देगा, भोले बाबा बैठा है, अल्लाह बैठा है, मालिक बैठा है, सब एक ही है, मांग के तो देखो सब एक ही है। कहता मैं तो मस्जिद में बैठ के पी लू, वरना ऐसी जगह बता जहाँ खुदा ना हो, सही बात है, क्योंकि ना राहुल पता है आपको, हम लोग ना जब भी सब फ्यूचर एक के ही है बारे में यार, कोई सोचते बात ना, नहीं, फ्यूचर खुश रहना के चाहिए। बारे में सोचते ना, तो फ्यूचर बहुत अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लोग सवाल पूछने वाले बहुत होते हैं। साक्षी, मैं तुम्हारे को यही तो मैं बता रहा हूँ, मैं किन्नर समाज की क्यों इतनी वो करता हूँ। एक ना हमारे यहाँ पे किन्नर रहते थे, और राहुल बहुत तुझे सुंदर, पता बहुत है अच्छे। मेरी एक बात बोलती, राहुल मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी एक बच्चे अडॉप्ट करूं, मेरी भी ख्वाहिश हाँ है, मैं अच्छी बात है, करूंगी, मैं करूंगी अडॉप्ट करना करूंगी अच्छी बात राहुल। है। वो अभी दूध पीके अच्छा सोई अच्छा है, अडॉप्ट करोगे, हाँ अडॉप्ट करो, अच्छा सा उसे पालो, अच्छे संस्कार दो, अभी अच्छी इतनी अच्छी बातें छोटी सिखाओ। है, अब ये थोड़ी अभी हम चुप गाली गलौज करते हैं, लोग सोचते हैं रोस्टिंग लाइव ये करते हैं, यार हम दिखाती हूँ, दूसरी लाइफ देखो में क्या है लोगों को थोड़ी पता है। मेरी तो बिल्ली लेके सो रही है, ये देखो हाँ दिखा रही है, मेरी बेटी खूबसूरत है, बेटा नहीं है खूबसूरत ज्यादा। वाह, बाप भी खूबसूरत रहेगा ना, हाँ देखने से बैठा तो है माशाल्लाह, बाप। वेरी नाइस। सोनिया भी तुम पे ही है पूरी, सोनिया से सोनिया तो तेरे स्मार्ट जैसी दिखती बनेगी, है, सोनिया सोनिया तो से मुझे आईडिया स्मार्ट। सेंड करना, मैं कुछ मम्मी के चीजें साथ भेज सो रही है, दूंगी। मेरी मम्मा के साथ ना, मैं अपने घर आई हुई हूँ, मेरे भाई के ना फंक्शन था शादी का, गोद भराई थी, हाँ तूने तो बताया था, ये मैंने स्टोरी पे डाली हुई है वैसे इसको ना, मैं इसका फेस नहीं जोया दिखाती लोगों को। जोया देखो, हाय ये करो, देखो ये आयशा की, हाय बाबू, जोया हाय करो, भैया इसके जोया साथ तो देखो हाय कैट भी करो। है। हेलो 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 बाबू, हेलो बेटा, ये बहुत चॉकलेट क्यूट ज्यादा दिख रही है खिलाई तूने आयशा, बिहारी को, वाओ लड़का तो बहुत बहुत हैंडसम दिखेगा तेरा, बड़ा ऑफिस स्मार्ट है इसका में लड़का। हाँ बहुत स्मार्ट, चिस्सापंती होगा, अड़ियल चिस्सापंती होगा। इसका मुंह बनकर मक्खी चली जाएगी इसके मुंह मत में, रो अभी, मुंह थोड़ी शांत चलता है। बैठ, चल थक गया एक खुद, सही है, अच्छे तू बच्चे खुद एक हैं। इंस्पिरेशन है आयशा, तू खुद एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, कि तू खुद एक काम करके अपना घर संभाल रही है, फोर हाँ व्हीलर में राइट है, घूम राइट रही सही है, बात। सब कुछ कर रही है, यू सोनिया नो। दी मुझे एड्रेस सेंड करना, मैं कोरियर करती हूँ कुछ चीजें, पहन के एक अरे वीडियो कोई बना बात नहीं देना, मेरी पागल, आईडी को प्रमोट कर देना। हाँ, कर अरे तुम्हें दूंगी प्रमोट मैं करूंगा यार, मैं तुम्हें मैं प्रमोट, तू मेरे को वैसी फोटो भेज, मैं सब। स्टोरी में रोल लगा दूंगा यार, कैसी बात कर रहे अरे हो, मैं आपको भी करती प्रमोट ही हूँ प्रमोट, सजेशन, कोई दिक्कत और नहीं। मेरे लिए कानों के अच्छे अच्छे झुमके अच्छा भेजियो, ठीक है? क्या कॉन्डम भेज दो ठीक तेरे को, मैं झुमके पहन के और मुजरा कॉन्डम भी मिल जाएंगे मेरे पास, करूंगी। कार्टून भेज दूंगी। नहीं वो मैं वो ये तो हमेशा अपने कॉन्डम पास भी भेजती है, रखूंगी। नहीं जहां से माल उठाती हूँ ना वहां पे कार्टून पड़े रहते हैं कॉन्डम। सस्ता मिलता रहेगा ना फिर वहां पे, सस्ते में मिलते अरे रहेंगे ना लोग। बहुत सस्ते मिलते हैं, ठीक है ना, 2 रुपए का, 3 रुपए का ब्रांड वाला, और हाँ ये वो बिल्कुल ये फुला लोग के आठ दिखाइए और ये उसे, लोग पचास एक बार और फुला ये के लोग मुंह से मेडिकल फुला के दिखाइए वो बैलून बुला के। कोई नहीं, ये लोग मेडिकल में 500 100 रुपए में बेचते, पता है सुन ना। ले आपकी, अबे कोई एक कोई कार्टून सुन में ले, 100 पीस होते हैं, सौ अरे पांच मेरी सौ बात तो सुनो यार, दस मेरी बात तो सुनो, एक फंक्शन में 100 गुब्बारे, जैसे गली में फंक्शन नहीं सौ होता, फुला फुला के लोड़े इकट्ठे, लोड़े लगा दो पूरी गली में, फुला फुला के। अरे भाई हाँ चुप ये हो बात जाओ, भी कोई है,
कुछ हो रहा है अभी लगता है, छुप हो जाओ, कुछ हो रहा है। नहीं नहीं सच्ची में मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि पर मैंने ऐसे सुना है आयशा कि आप सेकंड मैरिज करने वाली हो जल्दी नेक्स्ट ईयर में। चलो अच्छी बात, दिस इज राइट।